हे गाइस, तो अभी हम कोलकाता का साइंस सिटी आए हैं और अभी जस्ट हम यहाँ पे पहुँचे ही हैं। अंदर क्या है हमें पता नहीं है, अंदर का व्यू हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल हम क्या खा रहे हैं, फिलहाल हम बटाटा पूरी खाने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत जोर की भूख लगी और ब्रेकफास्ट इन्होंने मुझे कराया नहीं है, बस एक लेस से काम चलाया, वो भी 10 रुपये का एक लेस, और उसी को खा के यहाँ पे 12-1 बज चुका है। आप 11 बजे मैडम सो के उठी है? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये खुद ही सो के उठे। मैं तो कब का उठ गई थी, चाय वाय सब मैंने बना लिया और अब कहाँ जाओगे तो झूठ बोल के यार। और अब हम अंदर जाने वाले हैं, फिर मैं आपको अंदर का जो भी व्यू है वो आपको दिखाऊँगी। ये देखिए ये फ्रेंड्स, अब हम साइंस सिटी आ गए हैं और हम अंदर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको वो नल दिख रहा है जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है बट पानी आ रहा है, इसी से आपको पता चलता है कि हम आ चुके हैं साइंस सिटी में। अच्छा, नीचे से पाइप से पानी चढ़ रहा है। ओके, समझे बात को? नहीं, अब हम पहुंच चुके हैं साइंस सिटी। आप देख सकते हैं वहां पर साइंस सिटी लिखा है और अब हम जा रहे हैं साइंस सिटी के अंदर। कुछ ही देर में हम अंदर चले जाएंगे, फिलहाल अभी हम टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मुझे यहां पे घूम के बहुत मज़ा आ रहा है। और आज हम निकलने भी वाले हैं तो आज मैं आपको जितना दिखा सकती हूँ उतना दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। ये तो फिलहाल आउटर एरिया है, अभी हम अंदर जाएंगे फिर आपको और भी व्यूज़ दिखाएंगे फ्रेंड्स, तो ब्लॉग में मेरे साथ बने रहे। आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड अभी टिकट ले रहे हैं और ये टिकट काउंटर है। तो गाइज बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपके लिए आगे और भी बहुत कुछ लेकर आ रही हूँ, और ब्लॉग में मेरे साथ बने रहे हो। गाइज आपको पीछे ये जो टावर दिख रहा है ये बहुत ही यहाँ का फेमस है और इसके अंदर सौरभ गांगुली और शाहरुख खान ने भी एक फ्लैट खरीद लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस हद तक एक्सपेंसिव होगा। और ये वाकई बहुत सुंदर है और आपको ये जो ऊपर में वो जो एक बोट की तरह दिख रहा है उसमें स्विमिंग पूल है, बहुत ही प्यारा है। और आप देख सकते हैं ये क्या है, मुझे खुद नहीं पता ये क्या है पर कुछ है। और आप देख सकते हैं ये पार्क एरिया है, ये भी बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अमेजिंग है।
our next visitor show, Life Under the Arctic Sky, will start at 1 p.m. Visitors are requested to purchase their tickets and proceed to face Odishi Village. 15 minutes. तो ठीक है गाइज, बाकी का व्यू मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे इंजॉय कर लूँ, उसके बाद मैं आपको और भी यहाँ का जो भी चीज़ें मैं उन दिखाती हूँ। इसे घूमने में जब भी आप यहाँ पे आएँ तो मुझे लगता है कि आपको पूरा एक दिन लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर घूमने में आपको पूरा एक दिन का समय लगता है क्योंकि बहुत ही बड़ा है। तो बाय बाय बाय। अभी हम एक शो देखने वाले हैं और जो हमें बहुत ही पहले लेकर जाएगा, मतलब हमारा पास्ट में लेके नहीं जाएगा, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, देखते हैं जहाँ लेके जाएगा। मैं आपको कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मुझे जो दिख रहा है। कितने ईयर से लेके जाएगा, आप देख सकते हैं 4600 to 3 मिलियंस ईयर्स अगो। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो भी व्यू है, मतलब हमें ये सब अभी देखने को मिलेगा। जीवन के मामला का मसला इलाज जो जैसे शुरू हुए सारे दिन का रास्ता हो गया। मैं पूरा काम आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के वो जल सफर पर। आइए जानते हैं आप मानव विकास की चित्रमाला में आपका स्वागत है। कौन है हम, कैसे हुई हमारी उत्पत्ति, कहां से आए थे हमारे ऐतिहासिक पूर्वज, कैसे हुआ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास। सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। टेक्नोलॉजी का पढ़ाई बहुत अच्छा है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी का पढ़ाई बहुत अच्छा है, एकदम नया नया कुछ जानने को मिलता है। जिस
फ्रेंड्स, ये देखने के बाद हमें बहुत मज़ा आया, आप भी यहाँ पर ज़रूर आए। तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें भी भूल भुलैया, तेरे सपनों की तुम कहाँ गए थे? पीके तुम कहाँ हो? नेहा तुम कहाँ हो? पीके तुम कहाँ हो? पीके तुम कहाँ हो? नेहा तुम कहाँ हो? पीके तुम कहाँ चले गए? ये सब ठीक ऐसी गाय तुम कहाँ चले गए? अरे तुम इधर आओ ना, अरे इधर तो आओ, क्यों नहीं रहे हो? अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, सही में इधर आओ, कहाँ चले? अरे अरे तुम कहाँ गए यार? एग्जिट से ही निकल गए। तो फ्रेंड्स, साइंस सिटी घूमकर हमें बहुत मजा आया और आई होप आपको भी बहुत मजा आया।